गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर कॉनिक सेक्शन एंड टॉपिक इज हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला के बारे में पढ़ा होगा, जो कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी एक से बड़ा होता है। जो मेथड मैं बताऊंगा वो इसेंट्रिसिटी मेथड या जनरल मेथड इसको बोलते हैं। आपको पता होगा पहले बालों में ये वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन वी एफ बाई वी ए होता है इसेंट्रिसिटी। वी एफ बाई वी ए वो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट हाइपरबोला। क्या करना है हाइपरबोला? व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 मीटर। यानी डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का दूरी कितना हुआ, दिया हुआ 50 है। मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। इसको ए फोकस एफ ए बोलिए या ए एफ बोलिए, 50 एमएम है। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3/2, यानी 3/2 यानी वी एफ बाई वी ए, यानी वी एफ जो होगा वो 3 और वी ए क्या हो जाएगा 2। आपको पता है इसेंट्रिसिटी के हिसाब से ये कर लिए, इसे भी समझ लीजिए वी एफ बाई वी ए। यहाँ ए से एफ दिया हुआ है 50, अब वी एफ 3 है इसेंट्रिसिटी से, और वी ए हो जाएगा आपको 2, तो 3/2 जो एक से बड़ा होता है, ठीक है। और ये 3 ये 2 को अगर आप जोड़ देंगे 3+2 तो 4/5 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, तो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ले चुके हैं। ए से एफ का दूरी 50 एम दिया हुआ है, तो अब देखिए वी एफ बाई वी ए 3/2, तो यहाँ से 3 ले लिए वर्टेक्स तक, यानी वी एफ हो गया 3 और वी ए हो गया 2 और यहाँ से यहाँ 2, समझ गया हूँ, इसी कर रहा हूँ। वी से एफ का दूरी 3 है, तो अब क्या करेंगे, आप कर रखेंगे वी पर कंपास और एफ पर पेंसिल, इसको इधर तक लाएंगे। ये 3 दूरी है तो इसका भी आर क्या होगा, 3 ही होगा। अब इसको मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 ही होगा। उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 ही होगा। आप देख लीजिए, इसका अगर पॉइंट का नाम ई अगर देता हूँ तो वी एफ इजकल टू वी ए, ये 3 है तो ये भी कितना, ये बराबर ये भी 3 होगा। वैसे ही एक वर्टिकल लाइन आप नीचे भी दे दीजिए, ये भी ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है। अब ए से ई पास करते हुए एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से कर दिया, आप भी कर दीजिए इस तरीके से। ए से क्रॉस कराते हुए, ए से निकाले इस डायरेक्टरी से और ई से क्रॉस कराते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मैं कर दिया हूँ, आप भी कर दीजिए। वी एफ आपका 3 और वी ए कितना है 2 है, लिख दिया उसको। वो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू से लिए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू से लिए। अब वी से एक एक सेंटीमीटर का 6 लाइन लेना। वी से तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1, 2, मैं ऑलरेडी मेजरमेंट कर चुका हूँ, 6 पॉइंट लीजिए, 1, 2 और 3 फोकस से क्रॉस करेगा, 4, 5, 6 मैं ले लिया हूँ, बिल्कुल वर्टिकल लाइन इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से पैरेलल लेना है, जो कि इसका हाइट कुछ भी हो सकता है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6
थर्ड पॉइंट जो है वो फोकस से क्रॉस करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का लेंगे, उसी तरह सिक्स्थ का भी ले लिया, एक दो तीन चार पाँच छः का ले लिया। जिस तरीके से ए से ई मिलाए थे उसी तरह उसी टाइम नीचे ही मिला देना। नीचे मिलाना जरूरी नहीं है, पर दोनों साइड रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मिलाते हैं। नीचे वाला कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, पर मैं ले लेता हूँ दोनों साइड एक जैसा दिखने के लिए, अच्छा लगेगा उसे दिखने में। ठीक है, इस तरीके से ले लिया, उसी टाइम ले सकते थे, अभी भी लिए तो कोई बात नहीं। अब देखिए आप इस टेबल को इस समझिए, आर्क ऑफ रेडियस चाप लेना, एक पर कंपास, ए पर कंपास और एक पर पेंसिल, उठा के कहाँ ले जाएंगे, एफ पर। किसको कट करेंगे, इसी एक दो तीन चार पाँच छः वाली लाइन, किसको कट करेंगे, वही एक वाले को, यानी ये हो जाएगा आपका, ये एक है तो एक डैश, दो तो दो डैश, तीन तो तीन डैश, चार तो चार डैश, पाँच तो पाँच डैश, छः तो छः डैश। अब रखेंगे आप एक पर रखेंगे कंपास और एक पर रखेंगे पेंसिल, इस तरीके से देखिए, उठाकर कहाँ ले जाएंगे, एफ एज ए सेंटर रोटेट ओपन राउंड, उठाकर लेफ्ट एफ ले जाएंगे और किसको कट करेंगे, उसी एक वाले को, ऊपर और नीचे, एक एक डैश वाले को ऊपर और नीचे। ठीक है, उसी तरह ए पर कंपास, दो पर पेंसिल, उठा के कहाँ लगेंगे, एफ पर, किसको कट करेंगे, वही दो वाले लाइन को, उसी तरह तीन का, चार का, पांच का, छः का करेंगे। देखिए एक ए पर कंपास और दो पर पेंसिल, उठा के कहाँ ले जाएंगे, एफ, एफ एज सेंटर रोटेट अप एंड डाउन, किसको कट करेंगे, वही दो वाले लाइन को, ऊपर और नीचे, उसी तरह तीन पर ले जाएंगे, कहाँ पर ले जाएंगे, एफ पर, तीन जहाँ पे वहाँ पे एफ भी है, इसीलिए कोई से घबराने की बात नहीं, इसी को तीन वाले लाइन को ऊपर नीचे कट करेंगे। उसी तरह ए पर कंपास सब करेंगे, चार पाँच छः का, देखिए ए पर कंपास और चार पर क्या रखें, पेंसिल, चार पर क्या रखें, पेंसिल, उठाकर कहाँ पर ले जाएंगे, एफ पर, किसको काटेंगे, वही फोर वाले लाइन को, एफ पर ऊपर और नीचे कट कर दिए। ए पर कंपास और पांच पर पेंसिल, उठाकर कहाँ ले जाएंगे, एफ पर, किसको कट करेंगे, वही पांच पांच डैश वाले लाइन को, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक है, अब देखिए ए पर कंपास और छः पर पेंसिल, उठाकर कहाँ ले जाएंगे, एफ पर, रोटेट करेंगे वही छः छः और डैश वाले लाइन को, छः और छः और डैश वाले लाइन को, ऊपर नीचे आपका हो गया, इसी को मिला देना है तो हाइपरबोला बन जाएगा, छः छः डैश लाइन, इस तरीके से हर जगह हम लोग कट कर चुके हैं। इस तरीके भी से इधर मिलाएंगे आधा हाइपरबोला और फिर इधर मिलाएंगे आधा हाइपरबोला, ये हो गया हाइपरबोला। देखिए इस तरीके से भी से मिलाते हुए ले गए, ऐसे 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 ऐसे, ये आधा हाइपरबोला हुआ, और नीचे भी करेंगे तो वो आधा हाइपरबोला हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मिलाएं, हो गया यहाँ पर बोला, हो गया। यहाँ पर बोला इस तरीके से, यहाँ पर बोला, हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर बोला इस तरीके से बन गया, नॉर्मल और टेंजेंट अब बना ही लेंगे। इस तरीके से हाइपरबोला बन गया,
नॉर्मल और टेंजेंट तो आप बना ही लेंगे, आपको पता है। टेंजेंट के लिए इसी कर्व पे कोई एक पॉइंट चूज करके फोकस से मिला के आप कर लेंगे।